हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेल आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस कुछ वीडियोस से हमने स्टार्ट किया है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी हमने देखा था कि मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है। आज हम उसमें से एक मार्केट स्ट्रक्चर लेंगे जो कि है मोनोपोली। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने देख लिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एग्रीकल्चर मार्केट का। मोनोपोली में तो बहुत ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। मोनोपोली क्या होता है ये समझने के बाद आप ट्राई करना कि कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जाम्पल कोट करो कि मोनोपोली मार्केट कौन सी हैं। ओके, लेट्स जस्ट रीड यहाँ पे क्या लिखा है। बट बिफोर दैट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप देखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कहाँ से करें, वेल नो वरीज, मैंने अपने चैनल पे पूरा कोर्स कवर कर दिया है और पूरा कोर्स बना के एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाइए, वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए और पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, छोटा सा काम है, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मोनोपोली पढ़ते हैं, देखते हैं पहले बोर्ड पे क्या लिखा है, कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं लोग। तो मोनोपोली में मार्केट सिचुएशन, सो इट बेसिकली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, एक ही सेलर है मार्केट है पूरी, अगर कोई वहां पे सिर्फ एक ही सेलर है जो कोई प्रोडक्ट ला रहा है और कोई सेलर नहीं है। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर आप किसी मार्केट में जाएं और एक ही सेलर है, इसका मतलब भाई जिस भी प्राइस पे वो देगा आप तो मजबूर हो, आपको तो लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि छह केले वाले बैठे और आपके पास ऑप्शन है कि तूने प्राइस ज्यादा दिया तो कोई नहीं, मैं दूसरे से ले लूंगी, दैट्स नॉट द ऑप्शन। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, यहाँ पे सिंगल सेलर है। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड सिंगल सेलर, सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप उस मार्केट में गए और वो एक ही सेलर जो बैठा है वहां पे, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर आप कन्विंस नहीं हो, आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो आप उससे कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, ये कोई कोक और पेप्सी की बात नहीं हो रही कि आप पेप्सी लेने गए हो और पेप्सी का प्राइस आपको ऐसा लग रहा है एक ही सेलर है वो फालतू का प्राइस दे रहा है तो आप कोक लेके काम चला लो, क्योंकि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। इस मार्केट में आपके पास जो गुड आप लेने गए हो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रेलवेज इन इंडिया। ठीक है, रेलवेज इन इंडिया में सिंगल जो सिंगल हैंडेडली कंट्रोल कर रही है वो है आपकी गवर्नमेंट। आप एक तरह से ले सकते हैं कि रेलवे सर्विसेज को सेल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। सिंगल सेलर कौन हुआ, आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है, अगर आपको बाय रोड जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, मतलब इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर बाय एयर रूट। ठीक है, अगर आप एयर रूट नहीं ले रहे हो और आपका मन है कि आप बाय रोड जाओगे कहीं पे और आपको ट्रैवल करना है दिल्ली से चेन्नई, सो दिल्ली से चेन्नई आपको एयर रूट नहीं लेना। ठीक है, सो आप में से बहुत कम कोई कार रूट ले तो ले, अदरवाइज जो रूट है वो है आपका मेन रूट जो है वो रेलवे का रूट है। ठीक है, सो अब क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है, रेलवे रूट है। ऐसे ही एयरलाइंस मोनोपोली करती हैं एयर ट्रैफिक या एयर ट्रैवल में। एयर ट्रैवल अगर आपको करना है तो क्या एयरलाइंस लेने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है? ऐसा तो नहीं होगा ना पैराशूट टांगा और चल दिए और बोला चलो लैंड हो जाएंगे कहीं और। No, that's not a possibility. That was maybe a sick joke. But then, this was just to explain you कि if you want to take route of air and you want to travel by air, you don't have any option other than the airlines. ठीक है? Until and unless you are a celebrity or maybe somebody जो कि बहुत ही high end, जिनके पास अपना chopper है, अपना सब कुछ है, ठीक है? Otherwise, आप एक normal इंसान के लिए, majority of the people के लिए, air travel के लिए आपके पास only airlines is an option. This means airlines का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो छोड़ो सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो फिर इसी वजह से एयरलाइंस भी मोनोपोली मार्केट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रेलवेज भी एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर मैं कोट करना चाहूँ, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट होता है। सी, डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कोई दूर का सब्स्टिट्यूट जो थोड़ी देर काम चला देगा पर परमानेंट नहीं। जैसे इन्वर्टर हो गया, जनरेटर हो गया, ये थोड़ी देर काम चला देंगे पर क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? भाई इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी हो गई मोनोपोली में। ऐसे ही आपकी
मोनोपोली के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो, बट दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि मोनोपोली मार्केट एग्जिस्ट करती है और डोमिनेट भी करती है. डोमिनेट क्यों करती है? क्योंकि एक सिंगल सेलर वो चीज़ लेके बैठा है जिसके आसपास वाली चीज़ भी किसी के पास नहीं है और कोई और सेलर तो उस मार्केट में है ही नहीं. ठीक है, इसका मतलब है कोई उसका गुड लेने आएगा तो उसको वही गुड लेना पड़ेगा चाहे वो किसी भी प्राइस पर दे. इज इट ओके? तो आपको मोनोपोली समझ आ गई क्या है. उसके बाद देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने देखे थे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट थे, फ्री एंट्री एग्जिट थी, ये तीनों मिलकर प्योर कॉम्पिटिशन बना रहे थे. उसके बाद एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें मिलकर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बना रही थी. सो वी स्टडीड ऑल ऑफ इट. यहाँ आपको फीचर बिल्कुल ऑपोजिट दिखेंगे. क्यों? वहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक सेलर है. एक सेलर की वजह से आपका सबसे पहला फीचर यही है कि देयर इज अ सिंगल सेलर. सिंगल सेलर मतलब वो सिंगल सेलर मार्केट का किंग है, वो कुछ भी प्राइस रख सकता है. और सिंगल सेलर का मतलब ये भी होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी फर्म्स एक ही कमोडिटी की मिलके उसकी इंडस्ट्री बनाती हैं. ठीक है, लेकिन अगर एक ही फर्म है मार्केट में और वो एक ही फर्म डोमिनेट कर रही है, इसका मतलब ये इंडस्ट्री है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक ही फर्म. तो एक ही फर्म और एक ही इंडस्ट्री, यानी फर्म ही आपकी इंडस्ट्री हो गई. ठीक है, और प्राइस मेकर कौन था? इंडस्ट्री प्राइस बना रही थी और प्रिंसिपल अब क्या कर रहा था? आपका प्रिंसिपल एक स्कूल था जहां पे प्रिंसिपल रूल बना रहा था और सारे टीचर्स को फॉलो करना पड़ रहा था. अब क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी है, आपका प्रिंसिपल टीचर भी है. तो और एक ही टीचर है, एक छोटे से स्कूल समझ लो, उसका एक ही टीचर है. अब वही टीचर है, वही प्रिंसिपल है. तो अब क्या होगा? वही बंदा प्रिंसिपल भी होगा, वही बंदा टीचर भी होगा. तो इस वजह से प्राइस कौन डिसाइड करेगा? आपकी फर्म डिसाइड करेगी. पहले फर्म सिर्फ प्राइस टेकर थी क्योंकि बहुत सारी टीचर्स थी, तो बहुत सारे टीचर्स को जो रूल बना के प्रिंसिपल ने दिया उन्होंने उसको यस सर बोल के फॉलो करा. ठीक है, प्राइस टेकर थे फर्म्स और इंडस्ट्री प्रिंसिपल थी, इंडस्ट्री आपका प्राइस डिसाइड कर रही थी. अब ऐसा नहीं है, एक ही टीचर है और वही प्रिंसिपल भी है, वही टीचर भी है, तो उसने ही प्राइस बनाना है. अब तो वो प्राइस मेकर होगा क्योंकि वो किंग है, उसके पास सारी पावर है और वो इकलौता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है. सो ही विल मेक द प्राइस. सो नाउ अर्लियर फर्म वॉज प्राइस टेकर, नाउ फर्म विल बी प्राइस मेकर. यू गॉट इट? ऑल्दो ये यहाँ पे नहीं है, वील स्टडी समवेयर लेटर. आई थिंक दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट. So we have covered your fifth point that your firm is a price maker, ठीक है, not price taker. Okay, let's come back to our point, single seller. So yeah, it's all related to all the points are related. Single seller में भी यही point है कि single seller है भाई, वो market dominate कर रहा है, वो price बना रहा है, वो अपने हिसाब से charge कर रहा है. ठीक है, so आपका first point cover है, last cover है. Let's come to the next topic or next point. No close substitutes. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब है? कि कोई भी आस पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. एक एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा है, वो पहले बता देती हूँ. अपने आप से तो एग्जाम्पल में बहुत बना देती हूँ. स्टिल, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज बाय TPDDL इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली. ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज मिलती हैं आपको बाय TPDDL इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ना होने का मतलब क्या होता है? कि एक तो आप मार्केट में बैठ गए हैं किंग की तरह कि मेरे अलावा ये प्रोडक्ट कोई नहीं बेच रहा. चलो, तो फिर भी आप बहुत हैप्पी है कि चलो अब तो जो भी बायर्स आएंगे सबको मुझसे ही लेना पड़ेगा. लेकिन बायर भी स्मार्ट है भाई, बायर कोई बेवकूफ नहीं है. बायर कहेंगे कि तुम फालतू का प्राइस चार्ज कर रहे हो, हम इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट ले लेंगे. तो सेलर और हंस रहा है जोर जोर से कि एक तो मैं किंग हूँ, मैं एक ही सेलर हूँ, एंड डोंट वरी, जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना उसके आसपास उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है. ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मेरे प्रोडक्ट के बदले आपका काम चला पाए. ठीक है, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. एज आई टोल्ड यू, एयरलाइंस है. ठीक है, अगर आपको एयर रूट लेना है ट्रैवल करने के लिए, एयरलाइंस के पास ही जाना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है, रेलवे है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है, सो देयर आर थिंग्स, सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आपकी मोनोपोली मार्केट में. ओके, देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट. देयर वाज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो आई एज आई टोल्ड यू, अब हम जब फीचर्स पढ़ेंगे, दीज फीचर्स वुड बी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ वॉट वी स्टडीड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, सो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं एंट्री एग्जिट पे, वहाँ पे फ्रीडम थी.
रिस्ट्रिक्शन से क्या मतलब है, बैरियर्स हो जाते हैं एंट्री एग्जिट पे, एंड दीज बैरियर्स मे बी ड्यू टू, मतलब हम एक्स्ट्रा फॉर्म्स को नहीं आने देते क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब एक ही सेलर है, एक बात बताओ, एक पूरी मार्केट में एक सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर है, वो मस्त अबनॉर्मल प्रॉफिट बना रहा है बैठ के, क्यों आने देगा वो किसी और फॉर्म को अपना प्रॉफिट शेयर करने? तो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ना। रिस्ट्रिक्शन लगाने के तरीके क्या होते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग होती है, ठीक है, लाइसेंस आपने किसी को इशू कर दिया और आप जानबूझ के दूसरी फॉर्म को लाइसेंस ही नहीं इशू कर रहे ताकि वो एंट्री ना कर पाए मार्केट में, या फिर पेटेंट होते हैं कि आपने पेटेंट राइट दे दिया। पेटेंट राइट क्या होते हैं आपको अभी आगे और क्लियरली पता चलेगा, पेटेंट राइट हो सकता है या फिर रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कार्टेल हो सकता है, वो क्या होता है वो भी आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, रीजन फॉर इमरजेंस, और मे बी वी कैन साइमल्टेनियसली स्टडी द रीजन ऑफ इमरजेंस। रीजन ऑफ इमरजेंस मैम, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस किस बेसिस पे होती है? रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही आपका रीजन ये होते हैं एक तरह के मोनोपोली मार्केट के होने के, कि मोनोपोली क्यों होने दी आपने। आप मुझसे क्वेश्चन करो कि मैम मोनोपोली क्यों होने दे रहे हो, अगर सिंगल सेलर है और वो राजा बन के बैठा है, वो कोई भी प्रॉफिट कमा रहा है, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर रहा है, तो आप सिंगल सेलर रहने क्यों दे रहे हो? आप मार्केट में उसी कमोडिटी का एक और सेलर उतार दो ना। क्यों मोनोपोली लगा रखी है आपने, क्यों मोनोपोली को इमर्ज करा गया है, वाई इज देयर इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली, ठीक है, वाई देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, बिकॉज देन इफ न्यू फर्म कैन एंटर देयर वुड बी मेनी सेलर्स एंड देन द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। देन आप क्यों नहीं किसी को आने दे रहे हो मार्केट में, इसलिए नहीं आने दे रहे, और कैसे नहीं आने दे रहे ये देखो। सबसे पहला तरीका होता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के चक्कर में क्या होता है, कोई फर्म अगर आने की कोशिश करे फील्ड में, आने की कोशिश करे कि चलो ठीक है रेलवे सेक्टर है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, तो चलो हम एंटर होते हैं जाके, हम भी अपना रेलवे, नया रेलवे प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम नई रेलवे लाइन, नया रेलवे सेटअप करेंगे। अब क्या होगा, उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को मेक श्योर करना है कि देर आर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, यहाँ पे उनको नहीं चाहिए कॉम्पिटेंसी, उनको चाहिए कि वही डोमिनेट करें, इसलिए वो लाइसेंस ही नहीं इशू करेंगे। आउट, पहले ही आउट, आने से पहले ही आउट हो गई फॉर्म, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब क्या होता है, कहीं बार आपकी कुछ प्राइवेट फर्म्स होती है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिजल्ट आते हैं उनके, सो दे पुट इन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू अ पर्टिकुलर थिंग, एंड दे मे कम अप विद अ न्यू टेक्नोलॉजी और समथिंग न्यू, अ न्यू आउटपुट और अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताओ, आप एक प्राइवेट फर्म हो, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, बहुत सालों की रिसर्च के बाद आप एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आए, अब आप चाहते हो कि आपकी नई टेक्नोलॉजी कोई और चुरा ना ले, ये सिर्फ आपकी रहे, कि इससे कमोडिटी, इतने साल की आपने मेहनत लगाई है तो आप चाहोगे ना कि कुछ टाइम आप प्रॉफिट भी आप ही कमाओ, ना कि कोई और उसको चुरा के सस्ते में बेचने लगे। सारा मेहनत और कॉस्ट किसकी लगी, आपकी लगी। क्यों लगी? क्योंकि आपने 6 साल रिसर्च की, और रिसर्च का फल आपका इतनी मुश्किल से 6 साल बाद आया, अब उसके फ्रूट्स खाने का मौका था, अब आप प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके पास है, दुनिया में किसी और को कहीं और नहीं मिलेगी, तो लोग आपके पास आएंगे और जो प्राइस आप बोलोगे आपको देंगे। लेकिन अगर किसी और ने चुरा लिया के वो टेक्नोलॉजी, अब उसने तो कोई कॉस्ट नहीं लगाई रिसर्च करने की, वो तो आया चुरा के चला गया, टेक्नोलॉजी चुराई, कॉस्ट लगी नहीं, सस्ते में चीज बनाई और बेच दी, ठीक है। चाइना के साथ जैसा हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चुरा के उसके बाद दे मेक थिंग्स फॉर चीपर एंड देन सेल इट फॉर मच चीपर, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, आपने टेक्नोलॉजी चुरा ली, सस्ते में बना लिया प्रोडक्ट, कॉपी निकाल दी प्रोडक्ट की, दुनिया को कॉपी बेच दी, दुनिया खुश हो गई कि चलो ये चीज़ मार्केट में आ गई, लॉस किसका हुआ, बैठे हुए सारा रिसर्च का पैसा आपका चला गया, और फिर आपका जब डोमिनेट करने का मौका आया वो भी नहीं हो पाया। तो इस चीज़ से बचने के लिए पेटेंट इशू किए जाते हैं। पेटेंट किस चीज़ के लिए, कि आपकी टेक्नोलॉजी है, आपको एक पेटेंट इशू हुआ कि ये टेक्नोलॉजी आपकी ही रहेगी, कोई चुराने की कोशिश करता है या कोई इस टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, पहली बात तो यू कीप इट सीक्रेट, नो नीड टू अनाउंस इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट व्हाट योर टेक्नोलॉजी इज एंड यूज इट। और ये कुछ लाइफ के लिए, कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 साल के लिए होती है US में, 20 साल के लिए, तो उसको हम कहते हैं पेटेंट लाइफ। पेटेंट लाइफ का मतलब होता है वो पेटेंट कितने टाइम तक के लिए आपके पास है, से 20 साल के लिए, तो 20 साल आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ आपकी रहेगी एक्सक्लूसिव, और किसी को या और कोई भी उस टेक्नोलॉजी से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसके प्रॉफिट किसके पास आएंगे, पूरी दुनिया किसके पास आएगी वो खरीदने, आपके पास,
ठीक है, ये होता है आपका पेटेंट और पेटेंट लाइफ, कितने टाइम वो पेटेंट आपका एक्टिव रहेगा। हाँ, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाती है डेट 20 साल बाद, उस टेक्नोलॉजी को अब कोई भी यूज करके उसका प्रोडक्ट बना सकता है, इट्स ओके, लेकिन 20 साल आपने खूब इंजॉय किया, ठीक है, एंड इट इज ठीक है, वर्थ इट, क्योंकि आपने 6 साल मेहनत की, 20 साल एंजॉय किया, सो यू आर ऑल्सो ओके विद इट। नाउ द वर्ल्ड डिजर्व्स कि और भी कंपनीज आए, और भी कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को लें और सबके लिए बनाएं, क्योंकि मे बी आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो आप सिर्फ 10,000 लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, जब और कंपनीज आएंगी फील्ड में 20 साल बाद, आपकी टेक्नोलॉजी लेंगी आपसे और प्रोड्यूस करेंगी, तो पूरी पॉपुलेशन के पास चीज जाएगी, राइट? सो दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ पेटेंट लाइफ, कि क्यों एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए देते हैं और उस टाइम पीरियड बाद हम कहते हैं कि नहीं अब ये सबको दे दो टेक्नोलॉजी, क्योंकि द एंटायर पॉपुलेशन डिजर्व्स दिस। ओके, सो दैट इज एग्जाम्पल देखते हैं पेटेंट का। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल में या मेडिसिन कंपनी में बहुत पेटेंट इशू होता है। वहाँ क्या होता है, जैसे कोई भी न्यू मेडिसिन बनी, कोई भी सॉल्ट बना, या आपकी फॉर दैट मैटर इवन वैक्सीन कोई बनी अभी कोविड की, तो क्या होता है, आपने अपना कुछ कुछ टेक्नोलॉजी कुछ नया इन्वेंट किया, आपने कोई नई वैक्सीन या कोई नई मेडिसिन इन्वेंट की जो यूजर्स पे या जो आपकी पॉपुलेशन पे काम भी करी, ठीक है, सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए। अब क्या होगा, अगर आप अच्छा इसको एग्जाम्पल ले लो अभी, कि कोविड जब चल रहा था तो हर कोई देख रहा था कि वैक्सीन कब आएगी कब आएगी कब आएगी, जल्दी आए, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज लगी हुई थी इधर उधर से वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन बना रहे थे, फिर ट्रायल्स चले, ट्रायल 1 ट्रायल 2 रिजल्ट्स आए ट्रायल के, कि इतनी पॉपुलेशन पे हमने ट्राई किया है, इफेक्टिव है या नहीं है, जो वैक्सीन इफेक्टिव अनाउंस हुई एट द एंड, सारे ट्रायल्स के बाद जो इफेक्टिव प्रूव हुई, वो वैक्सीन सबको चाहिए थी, ठीक है, एवरीबडी वुड वॉन्टेड, द एंटायर पॉपुलेशन वुड वॉन्टेड, सारी पॉपुलेशन के लिए कौन बनाएगा, बहुत सारे लोगों को बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका पेटेंट इशू हो जाए तो फिर वो वैक्सीन सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगी, तो सिर्फ वो कुछ लोगों को मिलेगी, है ना। मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में पेटेंट बहुत इशू होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी बनती हैं जो इफेक्टिव होती हैं, जिनको पेटेंट दे दिया जाता है कि इसका सॉल्ट या इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, न्यूली दिस कंपनी हैज द पेटेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस मेडिसिन फॉर सर्टेन लाइफ। पेटेंट की लाइफ होती है, आफ्टर पेटेंट लाइफ इज ओवर, उसके बाद आपकी जेनरिक मेडिसिन भी आ जाती हैं, उसके बाद आपको कहते हैं ना, कुछ मेडिसिन सॉल्ट सेम होता है एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस मेडिसिन, सॉल्ट सेम है लेकिन ये कितने सस्ते में मिल रही है, इसीलिए क्योंकि वो जेनरिक मेडिसिन होती है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं, पेटेंट यहाँ होता है, वरना आपकी बुक में भी एक अच्छा एग्जाम्पल है पेटेंट का, जेरोक्स 914। जेरोक्स 914 क्या थी, फर्स्ट मार्केटेबल ऑटोमेटिक एंड प्लेन पेपर कॉपियर, ठीक है, एक तरह से जो आपका ड्राई फोटोकॉपियर होता है, ड्राई फोटोकॉपी होती है, उसकी पहली मशीन थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसको पेटेंट ग्रांट कर दिया गया था, और पेटेंट लाइफ कितनी थी, 15 इयर्स, एक्सक्लूसिव पेटेंट ग्रांट कर दिया गया था जेरोक्स आपका जेरोग्राफी को, ठीक है। तो इस चीज को आपने पेटेंट ग्रांट किया, ऐसे कोई और इन्वेंशन होती है, कहीं लोग बुक राइटर्स अपना कुछ होता है तो उस पर पेटेंट ले लेते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो पेटेंट आपका इस तरह से इसका मीनिंग होता है, और पेटेंट लाइफ क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, होप आपको क्लियर हो। तो पेटेंट भी इसीलिए इशू कर दिया जाता है ताकि आपके पास मोनोपोली रहे, जिसको पेटेंट इशू कर दिया इसका मतलब अब सिर्फ वही वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, नोबडी एल्स, यानी आप फिर से राजा है अपनी फील्ड में, नोबडी एल्स कैन कम्पीट विद यू, ठीक है। सो पेटेंट इज ऑल्सो वन फॉर्म जिसकी वजह से मोनोपोली आती है और रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, ठीक है। देन कार्टल, कार्टल क्या होती है, कार्टल होता है जब कुछ कंपनीज आपस में मिलके म्यूचुअल अग्रीमेंट करके साथ आ जाती हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, हम इतना आउटपुट बनाएंगे और इतना प्राइस रखेंगे कि हम सबको प्रॉफिट हो मिलके, मतलब नाउ मे बी 2-3 कंपनीज कम टुगेदर एंड वो एक बन जाती हैं वन यूनिट, कि हम इतना प्राइस सेट करेंगे, हम तीनों कंपनीज मिलके प्राइस एक ही रखेंगे और आउटपुट एक ही इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि अच्छा एक कंपनी प्राइस ज़्यादा कर रही है दूसरी कम कर रही है, कि एक को लॉस हो दूसरे को प्रॉफिट, नहीं। वो बेसिकली तीन अगर अलग अलग कंपनी है मार्केट में, मार्केट का मतलब क्या है, मोनोपोली में सिंगल सेलर, ठीक है, राजा। लेकिन अगर यहाँ पे 2-3 कंपनी है, उन्होंने क्या सोचा कि हम 2-3 हैं, हम इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हम मिलकर एक हो जाते हैं, साथ में काम करते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, साथ में काम करेंगे, सेम प्राइस रखेंगे, आउटपुट इतना रखेंगे कि हमें मिलकर प्रॉफिट हो, कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल का एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट, ओपेक। ओपेक क्या है, आपका आपका ओपेक है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
तो ये कुछ कंट्रीज साथ में आ गई आपकी और इन्होंने कार्टल बना लिया, जिस कार्टल को हम कहते हैं ओपेक। और इन्होंने क्या किया, कार्टल फॉर्म करके इन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड ऑयल मार्केट। वर्ल्ड ऑयल मार्केट में ओपेक है, ओपेक के पास मोनोपोली है टू कंट्रोल द प्राइसेस, क्योंकि ओपेक एक कार्टल है। कुछ कंट्रीज अलग अलग सेल कर रही थी, वो मिलकर ओपेक में आई और उसके बाद उन लोगों ने सेम प्राइस में डील करना शुरू किया ताकि वो अपनी मोनोपोली बना लें। उन्होंने वर्ल्ड ऑयल मार्केट में अपनी मोनोपोली हासिल कर ली। ये होता है आपका कार्टल, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि मोनोपोली हासिल करने के लिए आप रॉ मटेरियल पर ही कंट्रोल कर लें। आप रॉ मटेरियल इतना बनाएं ही ना या भेजें ही ना कि कोई और कंपनी उसको यूज करके कुछ बना पाए। किसी और कंपनी ने अगर डायमंड बनाने हैं तो फिर आप डायमंड्स का वो रॉ मटेरियल उतना रखें ही ना कि कोई और कंपनी इस फील्ड में उतर पाए। उनको पता है रॉ मटेरियल होते नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, आपका डी बियर्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका कंट्रोल्स अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। साउथ अफ्रीका की ये कंपनी 80% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड कंट्रोल करती है क्योंकि ये रॉ मटेरियल कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर इन्हें पता है कि सिर्फ ये ही, अब आप अगर कुछ बना रहे हो, मैं आपको बोलती हूँ कि आप टी शर्ट्स बना रहे हो, मैं आपको टी शर्ट प्रोड्यूसर बहुत बनाती हूँ, ठीक है। आप टी शर्ट्स बना रहे हो, अगर आपने सारा का सारा वर्ल्ड का कॉटन अपने पास रख लिया, ठीक है, तो कोई और टी शर्ट सेलर आएगा ही नहीं मार्केट में, क्योंकि उसको टी शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए होगी, तो फिर उसको कॉटन मिलेगी नहीं, तो वो इस मार्केट में उतरेगा ही नहीं। क्यों नहीं उतरेगा, क्योंकि उसको कॉटन चाहिए, कॉटन उसके पास है ही नहीं, क्योंकि सारी कॉटन तो आप कंट्रोल करके बैठे हो। तो फिर राजा कौन हुआ, आप हुए। क्यों, क्यों हुए आप, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है टी शर्ट बनाने के लिए वो तो सारा आप अपने पास रख के बैठे हो, तो किसी और को मिलेगा नहीं, तो वो इस मार्केट में वो बनाएगा नहीं, और बनाएगा नहीं तो वो इस मार्केट में सेल करने के लिए नहीं आएगा, तो देयर वुड बी नो सेलर अदर देन यू, यू वुड बी द किंग। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स और द रीजंस फॉर एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट कैसे लगती है। रिस्ट्रिक्शन किस बेसिस पे लगती है, लाइसेंस, पेटेंट, कार्टल, इन फॉर्म्स में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने इसके भी डिटेल कवर कर दी, यहाँ भी कवर कर दिया। सो देयर इज अनदर पॉइंट और द लास्ट पॉइंट, प्राइस मेकर क्यों है मैंने बता दिया था। लास्ट पॉइंट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में क्या होता है, अब एक सिंगल सेलर बैठा है मोनोपोली में, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, तीन फॉर्म्स में होता है। प्लेस आपका पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप एग्जाम्पल ले लो कि रेलवे टिकट सीनियर सिटीजन के लिए सस्ती है और एडल्ट के लिए, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए महंगी है। तो क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है ना प्राइस की, पर्सनल बेसिस पे, एज बेसिस पे, कि सीनियर सिटीजन के लिए सस्ती है और जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए महंगी है। डिस्क्रिमिनेशन है ये, प्राइस अलग अलग है दोनों के लिए, ठीक है। प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कैसे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस रूरल एरिया में सस्ती है इलेक्ट्रिसिटी और अर्बन एरिया में महंगी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है अर्बन एरिया में, कम प्राइस पे करना पड़ रहा है रूरल एरिया में, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो देयर इज यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी यूज के बेसिस पे भी हम प्राइस अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है रेजिडेंशियल एरिया में तो वहां इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर ऑफिस की बिल्डिंग में जहां पे सारे ऑफिस है किसी एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया है कोई, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस ज्यादा है। यूज़ क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, लाइट जलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, रेजिडेंस पर्पस से, तो इसलिए सस्ती है, लेकिन अगर आप कमर्शियल पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो वो महंगी है। तो देयर इज़ यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। सिंगल सेलर है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ एनी गुड, देन रिस्ट्रिक्शन है एंट्री एग्जिट पे, एंट्री नहीं कर सकते, करने नहीं देंगे, कैसे नहीं करने देंगे एंट्री, रिस्ट्रिक्शन कर कैसे सकते हैं। तो आपने मुझसे क्वेश्चन बोला कि मैम मोनोपोली होने क्यों दे रहे हो, सिंगल सेलर को बैठने क्यों दे रहे हो, और सेलर बुलाओ ना, मार्केट में एंट्री कराओ, लेकिन एंट्री रुकवा देते हैं। तो आपने कहा एंट्री कैसे रुकवा देंगे, ऐसे एक सेलर थोड़ी एंट्री रुकवा सकता है। एंट्री कैसे रुकवा देंगे, एंट्री रुकवा देंगे लाइसेंस नहीं देके, पेटेंट देके, कार्टल से,
कार्टल फॉर्म करके ये सारे चीज़ों से, ये सारे मेजर से आप एंट्री रुकवा दोगे किसी और की, ताकि मार्केट के किंग एक ही सेलर रहे, ठीक है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, मोनोपोली का फीचर है कि अगर मोनोपोली में सिंगल सेलर बैठा है तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है, किसी से ज़्यादा किसी से कम भी ले सकता है, बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन जगह के बेसिस पे कि इस जगह रूरल एरिया है तो ज़्यादा कम प्राइस है, अर्बन है तो ज़्यादा है, ऐसे ही यूज़ के बेसिस पे कि कमर्शियल एरिया है तो ज़्यादा है, रेजिडेंस एरिया है तो कम है, ठीक है। किसी भी बेसिस पे वो अपना प्राइस, क्योंकि जब एक ही बंदा प्राइस डिसाइड करने वाला है, एक ही सेलर है मार्केट में, उसी के पास वो गुड है, उसके आसपास क्लोज सब्स्टिट्यूट कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो राजा है ना अपने उसका, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो प्राइस किसी से भी जो भी प्राइस चार्ज करना है ही कैन डू इट, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, एंड ही इज द प्राइस मेकर बिकॉज ही इज द प्रिंसिपल, ही इज द टीचर, ही इज एवरीथिंग, सो ही इज द इंडस्ट्री ओनली, द फर्म इज इंडस्ट्री, सो दे कैन मेक द प्राइस, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है मोनोपोली की। उसके बाद हम फटाफट से एक चीज़ और कवर करते हैं, विच इज़ योर डिमांड कर्व। आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड देखा था, इंडस्ट्री से डिमांड, सप्लाई से प्राइस लिया, और उसके बाद फर्म के लिए प्राइस, ये हो गया प्राइस टेकर हो गई फर्म, ये आपने पढ़ा था। यहाँ पे प्राइस मेकर है, लेकिन एक बात बताओ, अब आप मोनोपोली तो हो, आप में मोनोपोली में हो, और आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में बैठे हो अपना प्रोडक्ट लेके जो कहीं नहीं मिलता, लेकिन आपका प्रोडक्ट लेने कोई आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, आपने सोचा कि यार मार्केट में मैं ही, आप तो बड़े खुश थे कि सिर्फ मैं आऊँ, मेरे अलावा कोई बेचने वाला नहीं है, और जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ इसके आसपास का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो लोग तो मेरे पास ही आएंगे। फिर आपके पास एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, धीरे धीरे आपने देखा एक भी बायर नहीं आ रहा, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे पास बायर क्यों नहीं आ रहे, आपको पता चला कि आपके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब आपको अगर बायर्स को अट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस तो आपके हाथ में है ना, आप ही एक इंडिविजुअल सेलर हो वहाँ पे, सो कॉल्ड किंग ऑफ द मार्केट, कि आपको ही डील करना है हर चीज़ में, तो प्राइस कम करना भी आपके हाथ में, जैसे प्राइस बढ़ाना आपके हाथ में। तो बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप प्राइस कम कर दोगे, इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो आउटपुट ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर आप इतना प्राइस करके बैठे हो, आपके पास सिर्फ इतनी क्वांटिटी जा रही है, डिमांड हो रही है, यानी अगर आप प्राइस कम करोगे तो ही लोग आएंगे मार्केट में और कहेंगे ठीक है अब हम तुमसे खरीदते हैं। इसका मतलब है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्यों, क्योंकि आप प्राइस मेकर हो टू अट्रैक्ट बायर्स, टू क्रिएट डिमांड इन द मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट, योर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, आप प्राइस कम करोगे, आपके हाथ में। इसका मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, और डिमांड कर्व ही आपका AR यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, यानी प्राइस, ठीक है। प्राइस लाइन होती है ये आपकी, प्राइस इज इक्वल टू AR हो जाता है आपका, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब MR लेस देन AR, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था, MR इज इक्वल टू AR था, ठीक है, लेकिन यहां पे MR कम होता है, क्यों, क्योंकि आपको आउटपुट जो है, आपको आउटपुट बढ़ाने के लिए प्राइस डिक्रीज करना पड़ता है, और जब आप प्राइस डिक्रीज करते हो तो हर एक आउटपुट की वजह से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो और कम होता है, वो रेवेन्यू उससे इंडिविजुअल यूनिट सेल करने की वजह से जो आपके पास रेवेन्यू आता है वो कम होता है प्राइस से, क्योंकि प्राइस भी कम हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए आपका MR लेस देन AR है, और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो रेवेन्यू चैप्टर देख लो, वहां पे क्लियर हो जाएगा कि MR लेस देन AR क्यों होता है, ठीक है। तो विद दिस योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इन मोनोपोली, एंड डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR कर्व, एंड प्राइस मेकर होती है एक फर्म, इंडस्ट्री भी हो सकती है, एंड ही इज द वन ओनली हु इज मेकिंग प्राइस। एंड आई होप विद दिस यू आर क्लियर विद ऑल द फीचर्स इन व्हाई देयर इज इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली, एंड यू आर क्लियर विद एवरीथिंग। एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं, कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आता है तो प्लीज मुझे भी जरा इंट्रोड्यूस कर दीजिए उस एग्जाम्पल से, और कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट पसंद आया, और अगर यहाँ तक आ गए हैं आप इतनी लंबी वीडियो को अभी तक फॉलो करके, सो एक लाइक बटन प्रेस किए बिना जाना तो अच्छा नहीं लगता। ऑल्सो शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।